गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अभी दीवान सो के उठ गए, देखो यो कह रहे मेरे को छोड़ो। सो कर रहे हो आप? ऊपर ना वो वाला मांस रखा है घोस्ट वाला, तो उसको देख के ही रो रहा है ना। मैं दिखाऊं घोस्ट? दिखाऊं आपको? दिखाऊं हैं? दिखा रहे हो गला मांस। अब ये हमारे यहाँ पे गर्मी आ चुकी है और जितनी मोटी मोटी रजाई हैं सब जा रही हैं यहाँ पे ऊपर, और छोटी आ रही हैं नीचे। तो जल्दी से इनको रखते हैं ऊपर और छोटे उतारते हैं नीचे, क्योंकि हम रात को सोते हैं तो इनमें इतनी गर्मी आती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब दिवांश कह रहा है मेरे को ऊपर चढ़ा दो। बोले बोलो अभी चढ़ाते, रुक जाओ। चलो जल्दी से गाय से उतार देते हैं इसको भी। हमारे कंबल ये रहे और ये यहाँ जाएंगे और ये नीचे आएंगे। और मैंने मास्क देखो वहाँ दुखा दिया, आपको दिख रहा है ना ये यहाँ पे दीवार से देख लिया दोबारा। और इसको कह रहा है कि मेरे को दो, पता नहीं इसने ये भी वहाँ से जाके देख लिया, यहाँ से जाके इसने यहाँ से देख लिया, ये डर नहीं रहा। पता नहीं इसको हमेशा ज़्यादा बार दिखा देना तो उसका डर खत्म हो गया है। देखो घोस्ट है वो, काट लेता है, बहुत चीज काटेगा वो, मेरे उसने कच्ची कर ली। गाइस देख लो बिल्कुल डर खत्म हो गया इस बच्चे का। इस बच्चे को बहुत बुरा वाला घोस्ट डालना पड़ेगा अब तो, है ना। चलो इसको भी मैं चुप कर देता हूँ। अरे गिरा देगा मुझे, रुको रुको रुको, गिरा देगा। हम तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं एकदम। और दीवान देखो कहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर। दीवांश देखो मेरे पास क्या है, देखो देखो गाइस ये कहाँ बैठा है, चमो वहाँ बैठी है। और हमारा ब्रेकफास्ट ये रहा, आज भी सैंडविच बनाए हैं अच्छे वाले, मिल्क के साथ सैंडविच तैयार। जल्दी से खाते हैं, फिर प्रतश को स्कूल से लेने भी जाना है, आज उसका एग्ज़ाम है ना, तो जल्दी से खाते हैं फिर चलते हैं। गाइस दीवांश ने भी दूध छोड़ दिया है और देखो दीवांश बिना जा रहा है। रुको दीवांश मैं हिमलाता हूँ, रुको अभी देखो अभी डॉगी आएंगे हिमलाते हैं, रुको रुको। आओ 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 लाओ लाओ अब दो मेरे को, रुको रुको गिर जाओ, हाँ यहीं पे गिर जाओ, रुक जाओ लो डाल दो, लेके आया है अभी तो, बस हट जाओ हट जाओ हट जाओ, पूरा पी लेगा वो, हट जाओ आप। एक ही आया गाइस, एक देखो वो छोटा सा बैठा है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये बैठा छोटा सा, आ नहीं रहा वो पता नहीं क्यों। एक तो आ गया ये रहा, न तो बुलाते बहुत सारे आ जाते हैं। चलो दीवान चंदा चलो पी लेगा वो अब, अच्छा डॉगी है। तो अभी पता नहीं छम्मों के कुछ कीड़े हो गए हैं शायद, बिनके जो कीड़े होते हैं ना तो वो हो गए हैं छम्मों के। हमने सारे पाउडर लगा दिया है यहाँ पे, तो मैं छम्मों की अभी कोई दवाई लेने जा रहा हूँ। वो पाउडर लगाया था हमने वो पहले से रखा था, तो मैं वैसे ही दवाई लेने जा रहा हूँ। अभी हमने चेक करा था, ये मम्मी के पास आई थी कि मेरे को खुजा दूँ ऐसा करके, तो मम्मी जैसे सिर पर हाथ मारा तो पता नहीं इसके सिर में से कुछ काले काले इतने छोटे छोटे से निकलने लगे। तो अभी मैं इसकी दवाई लेने जा रहा हूँ मेडिकल पे, पता नहीं उसको क्या हो गया एकदम। वैसे इतनी तो अच्छी है, देखो चुपचाप बैठी है, देखो यहाँ सारे पाउडर लगा रखा है हमने इसके पूरे शरीर में, तो देखते हैं दवाई से ठीक होगी नहीं, वरना फिर डॉक्टर के दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है हर बार, पर देखते हैं दवाई से, तो चलो दवाई लेने चलते हैं फिर। तो गाइस मैं अभी मेडिकल पर होकर आ गया, जो हमारे पास पाउडर रखा है ना छम्बो वाला, मतलब जो डॉगी का पाउडर होता है, उन्होंने कहा कि वो ही लगा दो उससे ठीक हो जाएगी। तो अगर उससे नहीं होती है तो उसके बाद फिर अलग प्रोसेस है वो करा जाएगा। तो गाइस पहले इसे लगा के देख लेते हैं, देखो कैसे बैठी छम्बो, देखो मम्मी के बराबर में बैठी है, तो कहा जल्दी से ठीक हो जाए वरना ऐसे खुजली हो रही है, अपना आप जाती रहती है पूरे दिन। गाइस हम तो रेडी हैं जाने के लिए, और जरा हमारा पेट्रोल देखना आप एक बार, ये देखो सुई बिल्कुल हैंड से भी नीचे है, शायद इसमें लग तो रहा है थोड़ा बहुत। तो जल्दी से स्कूल से ले आते हैं पता, फिर पेट्रोल डलवाने चलते हैं सीधे। तो गाइस छम्मो गाजर ले आई, मम्मी जी यहाँ पर सब्जी खरीद रही हैं, यहाँ देखो छम्मो गाजर ले आई, देखो ये देखो पता से स्कूल से आ गया था ना वो रहा, अभी गया। चलो चल 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 अंदर चलो चलो, ये गाजर लिया है इसने यहाँ पर रख दिया, खुजा रही है क्यों, खुजा रही है खड़ी हो, चल गाजर ले लो अपनी अंदर चल। तो गाइस जैसा कि अभी मैंने आपको पहले वाली ब्लॉग में बताया था कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मम्मी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो मम्मी जा रही है, हाथ में लगता है ना यहाँ पे कैंड्रा जिससे बोतल चढ़ती हैं ड्रिप बोतल,
तो शायद मम्मी के अभी कैंडल लगने जा रहा है, तो शायद मम्मी की बोतल से ढिकेंगी, तो फिर मम्मी बीमार हो गई हैं अब। तो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं हॉस्पिटल में जाके। हाँ तो चलते हैं फिर, देखते हैं क्या मतलब बोतल से ठीक होगा या गोली से या मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाएंगे, तो जाके पता चलेगा। अभी चलते हैं वहाँ पर जाके देखते हैं फिर। भाई साहब आ चुके हैं हॉस्पिटल में, कैसा लग रहा है आपको बीमार होकर? पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है बीमार होकर? तो अभी कैंडल लग रहा है मम्मी जी के, देखो आप। गाइज़ वो घर पे ही हमने लगवा दिए हैं बोतल, जो वहाँ पे हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम भी लगता और मतलब वहाँ पे सही नहीं था, तो इसलिए हमने घर पे ही लगवा दिए हैं। तो हमने यहाँ बंद कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मम्मी के बोतल लगेंगी कम से कम डेढ़ दो घंटे तक, एक बोतल लगती है, तो जितनी जल्दी लगेगी सही रहेंगी। मम्मी दवाई से ठीक नहीं हुई थी इसलिए बोतल लगवानी पड़ी, हमने पूछ लिया बोतल से बहुत जल्दी ठीक होएंगी, दवाई से नहीं पाएंगी। जल्दी से बोतल लगाते दिखाता हूँ मैं। फाइनली मम्मी की बोतल चढ़ चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहे हैं? गाइस मजा आ रहे हैं। देखो देवांश ले रहा है, देवांश देवांश की सुई लगेगी अभी। देखो आपकी दादी, आपकी दादी। ओए मेरे लगाई सुई, आपकी सुई लगा रहा हूं मैं आप। तो गाइस देवांश डर रहा है, मम्मी से दूर रह रहा है कि मेरे सुई लगा दे कहीं आके। तो देखो इसका कलर वाइट था, अभी हल्का सा पिंक हो गया है। चढ़ जाएगी एक डेढ़ घंटे में, चढ़ जाती है। अब थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, हमको बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ बस भूख लग रही है गाइस, बहुत तेज भूख लग रही है, ली खाना खा लेते हैं। गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं और ये देखिए मम्मी के बोतल लग रही है, मतलब तो अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, हाथ मत लगाओ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिए। और ये हमारा हम नमकीन और सॉस से खाएंगे, और गोभी आलू की चटनी भी है। दिवांश भैया को देखो मोड़ी मोड़ी करके दिया जा रहा है, देखो ऐसा खा रहे हैं, खा लो। तो जल्दी से खाना खा के अब थोड़ी देर सो जाएंगे फिर हम। हाँ ठीक है, खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मम्मी जी के बोतल चढ़ रही है और दिवांश भैया देखो मम्मी को बूंदी खिला रहे हैं, देखो कितना अच्छा बच्चा है। खिलाओ, कैसे खिला रहे थे आप? देखो गाइस मुझसे कह रहा है आप पागल हो, देखो खिलाओ देवांश, खिलाओ सही एक बार खिलाओ। गाइस इस पे खिलाने नहीं आ रही ना, ऐसे कर रहा है, देखो चलो खिला दो खिला दो। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मम्मी जी के बोतल भी चढ़ गई है, अब शायद एक और चढ़नी है, वो क्या पता रात को चढ़ेगी या फिर शायद कल सुबह चढ़ेगी या कल दोपहर, वो भी डॉक्टर बताएंगे। तो अभी हमारे घर की लाइट ख़राब हो गई है दोबारा, जैसे पहले हो गई थी, अब हमें दोबारा जब इसे मैकेनिक बुलाए हैं, पता नहीं क्या बार लाइट ख़राब जाती है, क्या हो जाता है कुछ समझ नहीं आता। अब दोबारा अंकल दूसरे अंकल आए, वो सही कर रहे हैं, तो जल्दी से हम लाइट से करा लेते हैं। अभी तो हमें लाइट आ रही है पर चली आ रही है, करंट आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मेरा मोबाइल जो भी चार्जर कट मार गया था, जो आपको मैंने दिखाया था कल या परसों वाले लॉग में, तो मतलब मोबाइल भी हमारा चार्ज ही हो रहा था, बार बार आपको पूछते रहा था अनप्लग चार्जर, तो शायद हमारी लाइट की वजह से ख़राब हुआ था, हमें लगा हमारे मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या है। तो गाइस जल्दी से लाइट से करा देते हैं हम, लाइट सही हो रही है। सब खुला पड़ा है ये पहले वाला, ये गई लाइट अब दोबारा। टॉर्च लाओ भाई, मोबाइल की लाइट में दिखाना पड़ रहा है। अब की बार बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, तो सही है, तीन चार बार ठीक हो गई, पता नहीं बार बार खराब हो जाती। देखो रात हो गई है और छम्मो मेरे को भगा के ले आ रही है, देखो छम्मो, देखो नानी वहाँ पे खड़ी हो गई ना, देवांशु ले आके मेरे को भगा के ले गई छम्मो इतनी तेज। हाँ थक गई छम्मो, तो मेरे को घर से भगा के लाई इतनी तेज। चलो चलो जल्दी घूम लेते हैं, आ तो ठंड हो गई थोड़ी। चलो छम्मो के फ्रेंड आ चुके हैं,
ये रे चमो फ्रेंड आ रहे हैं अभी और आ जाएंगे, पीछे पीछे देखना। आज तो थोड़ा हम नाइट में घूमने आए हैं, शाम को नहीं आ पाए थे क्योंकि मम्मी की बोतल चढ़ रही थी। देखो गाइस ऐसे ऐसे देवांश की साइकिल के आगे निर जाती है देखो ये वाली, क्योंकि लाइट खराब हो गई थी इसलिए तो आ नहीं पाए थे, इसलिए अब आए हैं। देखो ने इनको देखो सबको खेल रहे हैं, देखो छम्मो को मस्ती आ रही है, देखो कैसे खेल रहे हैं, देखो ये देखो देवांश को देखो, इसको नाइट में दिन निकल रहा है। देखो छम्मो को देखो, हमें तो छम्मो का ही दौड़ा दी है थोड़ी, देखो इसको वर्कआउट करा दिया हमें नाइट में। ये देखो इसके मुंह में पत्थर लग रहा है, ये रहा पत्थर लेके जा रही है। चलो घर चलो, मेरे को भूख लग रही है, चलो गाइस घर पे आ खाना खाते हैं, चलो जल्दी घर चलो चलो। तो गाइस अभी हम घूम के आए हैं और मैंने बताया था हम डॉक्टर से पूछी मम्मी जी के रात में बोतल लगेगी, तो देखो मजे आ रहे हैं मम्मी जी को, सुबह से नेटी हैं तो बोतल चढ़ रही है। अभी ये दूसरी बोतल है ना, अब तो चढ़ेगी इसके बाद। तो गाइस अभी यूँ करिए, मेरे को नहीं पता और भी चढ़ सकती है, तो चलो कोई बात नहीं, जितनी जल्दी चढ़ेगी उतनी जल्दी सी हो जाएंगी। अब हम खाना खा लेते हैं बस। तो गाइस हमारा खाना रेडी हो चुका है, ये रहा, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं। दाल है हैवी हैवी वो प्रोटीन एकदम। तो ब्लॉग अच्छा लगो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो जल्दी जल्दी, ओके। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बस जल्दी से मम्मी सही हो जाए फिर बस मजे। यहाँ पर तो कोई बीमार होता है सही लगता है ना घर में, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।